नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 6 से लेकर 8 तक की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति हेतु संशोधित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है और एक दोस्तों नया नोटिफिकेशन कह सकते हैं या आवश्यक सूचना बीपीएससी की तरफ से जारी की गई, उस अपडेट को देखेंगे। नौकरियों की भरमार, युवाओं हो जाओ तैयार। ठीक है, तो दोस्तों बिहार में ढेर सारी नौकरियां आ रही हैं, इसका जीता जागता एक और सबूत यहां पर सामने आ रहा है। जरा देखिए इस अपडेट को भी। स्वास्थ्य विभाग में होगी 1.5 लाख बहाली, 1.5 लाख बहाली। सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी होगी, शिक्षा मंत्री जी का बयान है। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट आती है, सख्ती की जा रही है। संघ बनाया तो शिक्षकों की नौकरी जाएगी। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्त, एक नई वार्निंग यहाँ पर दी गई है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 2026 तक 4,80,000 किसानों को मिलेगा निःशुल्क बिजली का कनेक्शन। ठीक है, आजकल दोस्तों पटना से लगातार बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके मन में एक सवाल था कि सर क्या जो बीपीएससी की तरफ से, ठीक है, पीआरटी लेवल की जो वैकेंसी जारी की गई जिसमें तकरीबन 9,000 पद आ रहे हैं, क्या उसमें हम भी आवेदन कर पाएंगे? 1 to 5 की बात है। देखिए सिंपल सी बात बता दें, 1 to 5 में आवेदन करने के लिए आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और 90 नंबर अदर स्टेट्स के बच्चों का होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चा बिहार से आता है वहां पर वही 75, 82 और 90 नंबर। ठीक है, जो नियम बनाया गया है। तो सबसे पहले दोस्त इस अपडेट को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या निकल कर आ रहा सामने। देखिए, नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी, इस अपडेट को हम देखते हैं। तो यहाँ पर स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री हो, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, ठीक है, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, ठीक है, बीएलएड, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी एवं, ठीक है, बीएड। तो ये दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली है कि जो हमारा डीएलएड है वो दोस्त यहाँ पर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग डिप्लोमा के नाम से। ठीक है, ये डिप्लोमा होता है, जो डीएलएड होता है हमारा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी यहाँ पर नियम और शर्तें दी गई हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ठीक है, ये सब दोस्तों बातें दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए ये अपडेट्स थी। और देखिए एक जो आवश्यक सूचना जारी की गई जिसमें 50,000 पदों को जोड़ने की बात थी, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय के अध्यापक के कुल 69,706 पद एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों एवं विज्ञापन संख्या, ये बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या में समाहित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, एक अलग से नोटिफिकेशन हमेशा जारी किया जाता है, वो नोटिफिकेशन यही है। ठीक है ना, बाकी देख सकते हैं जो लिखा है 4/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या, ठीक है, 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो मतलब इस समय बिहार में ताबड़तोड़ देखिए नौकरियां दी जा रही है। ठीक है, नहीं तो बहुत सी जगह ये होता है कि जो वैकेंसी लास्ट वाली चलती है उसको कम से कम 6 महीने खींचा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की जो बात है तो वो भी दोस्तों आ गए, रिक्त पद कितने यहाँ पर क्लियर कर दिएगा, जरा देख सकते हैं।
इसको जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग जहां पर दिख गया बीपीएससी। ठीक है, एक से लेकर पांच तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 262 पद। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसको रखा जाता है, कहीं पर अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद भी यहाँ पर दिए गए हैं। जरा अतुल सर का दोस्त ट्विटर हैंडल देखते हैं हम लोग, क्या कोई नया ट्वीट किया है। जरा एक और अपडेट देखते हैं, क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 में सीटेट अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 65% बच्चों का कहना यस मिलना चाहिए और 35% बच्चे कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। अब जिनका पहले से सीटेट क्लियर है या बिहार टेट क्लियर है, वो बच्चे नहीं चाहेंगे कि ज्यादा बच्चे आए कंपटीशन में, जिससे कंपटीशन टफ हो। इससे पहले एक और हमने सवाल पूछा था एक हफ्ते पहले, बीपीएससी टीआरई 2.0 अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं, क्या अच्छा निर्णय है कि छात्रों के साथ धोखा। आप देख सकते हैं 56% बच्चों को लगता था एक ये अच्छा निर्णय है। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों देखिए 50% लगभग बच्चे यही चाहते हैं कि अपेयरिंग छात्रों को मौका ना मिले, इसीलिए बिहार सरकार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो आपको थोड़ा संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। अतुल प्रसाद सर का देख सकते हैं ट्विटर हैंडल यही है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कोई इन्होंने नया ट्वीट नहीं किया। और ठीक है, शुभ दीपावली इस समय हमारे देश में ट्रेंड भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं संशोधित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता, ठीक है, इसको जारी किया गया, तो देख सकते हैं दीपावली। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, बाकी जो नए बच्चे हैं उनको ध्यान देना कि भैया संघ बनाया गया तो शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है, नए बच्चों को अच्छे से अपने नौकरी पर ध्यान देना है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तैयारी में आप लोग लगे रहिए। अब वीडियो के अंत में एक सवाल सभी बच्चों के लिए कि क्या बिहार सरकार, ठीक है, इस बार दीपावली पर अपेयरिंग छात्रों को क्या बड़ी खुशखबरी दे सकती है। इसका आंसर है यस और नो दोनों, हाँ भी ना भी। देखिए क्या हो रहा है ना कि सीटेट का जो हमारा पेपर है, आपको पता है उसकी डेट पता है क्या है, 21 जनवरी 2024। अगर ये सीटेट का पेपर हमारा 21 दिसंबर को होता तो मान लेते कि जनवरी तक रिजल्ट क्लियर हो जाता। अब 21 जनवरी को जब पेपर होगा तो सीटेट का रिजल्ट कितना भी जल्दी आए फरवरी से पहले नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अगर बीपीएससी छात्रों को मौका देने की बात हो तो फिर हमारा जो बीपीएससी के एग्जाम जो अगले महीने 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है तो उसको डिले किया जाए। ठीक है, तो इस पेपर को या तो हमारी फरवरी में शिफ्टिंग की जाए या तो दोस्तों 21 जनवरी के बाद ही शिफ्ट किया जाए, तो एक काम बन सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। वैसे एक बात आपको बता दें कि अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलता तो बेहतर होता। देखिए इसमें नुकसान किन बच्चों का हो रहा है हम आपको बता दें, सिंपल सी बात बताएंगे। जो भी बच्चे अदर स्टेट से संबंधित है उनमें नुकसान सिर्फ आरक्षित वर्ग के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से थे उनके ऑलरेडी 90 नंबर हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, बाकी यहाँ पर सीटेट के साथ साथ डीएलएड और बीएड अपेयरिंग छात्रों को भी मौका नहीं दिया जा रहा है, ये भी दोस्तों एक गलत बात है। सीटेट छात्रों को मौका भी मिलना चाहिए, डीएलएड को भी बीएड को भी। चलिए देखते हैं बाकी और कुछ अपडेट आती है तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और ठीक है, इस बार तैयारी जमकर करनी है। ठीक है ना, और आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही दोस्तों लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसी दे सकती है, तो इधर भी आप लोग तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आप सभी का दिन शुभ हो। और वीडियो के अंत में एक बार फिर से आपको हैप्पी दीपावली।